और शायद ये सुन के हैरानी हुए, आजकल काफी सारे लोग अपने शरीर पर QR कोड के टैटूज भी बनवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में खाता बुक आपके लिए लेकर आया है बड़ा ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग टॉपिक, QR कोड, जिसमें QR का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स का मतलब होता है जैसे ही आप उसको अपने फोन से स्कैन करते हैं तो तुरंत ही इसमें जो भी सूचना स्टोर रहती है वो आपके स्क्रीन पर आ जाती है। हाल फिलहाल में QR कोड्स का प्रचलन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी बढ़ गया है। फोन नंबर शेयर करने से लेकर UPI से पेमेंट करने तक लगभग हर जगह इसी का इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं बात करूं इसको इस्तेमाल करने के तरीके की, तो इसके लिए आपके पास अपने फोन में QR कोड स्कैनर नाम की एक ऐप होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो आप अलग से भी अपने फोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। आजकल जितनी भी UPI एप्लीकेशंस हैं उन सब में पहले से ही QR कोड स्कैनर आते हैं, जिनकी मदद से हम दुकानों पे लगे QR कोड्स को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। आपने ज्यादातर QR कोड्स ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखे होंगे, ऐसा इसीलिए ताकि QR कोड को पढ़ने में आसानी रहे। वैसे काफी QR कोड्स रंगीन भी होते हैं। तो दोस्तों अब जरा बात करते हैं कि QR कोड किन किन जगह पर इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट की जानकारी और मार्केटिंग, काफी कंपनीज QR कोड का इस्तेमाल अपनी पैकेजिंग पर भी करते हैं, जिन्हें स्कैन करके आप उस प्रोडक्ट के बारे में और भी डिटेल में जान सकते हैं। अभी हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपने ग्राहकों के लिए एक QR कोड बनाया था, जिसे स्कैन करके आप आसानी से उनके ग्राहक सेवा प्रतिनिधि यानी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते थे। सोचिए कितना आसान है, नहीं तो कितनी जगह तो हमें समझ ही नहीं आता कि किसी कंपनी के सर्विस डिपार्टमेंट से संपर्क कैसे करें। मेनू, काफी सारे रेस्टोरेंट्स छपे छपाए मेनू पर पैसे खर्च करने की जगह एक QR कोड बनाकर उसमें अपना मेनू की सारी डिटेल्स डाल देते हैं। जैसे ही कोई ग्राहक आता है तो वो उस QR कोड को अपने फोन से स्कैन करके डायरेक्टली मेनू से ऑर्डर कर सकता है। तो अगर आपका कोई रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस है तो आप इस मेनू का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में जानकारी देने के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जितनी जानकारी अपने प्रोडक्ट के बारे में देना चाह रहे हैं वो आप जगह कम पड़ जाने की वजह से नहीं दे पाते। इसके लिए आप हर भाषा के लिए एक अलग QR कोड बना सकते हैं, उसे अपने ग्राहकों को दे सकते हैं ताकि जिसको भी जिस भी भाषा में पढ़ना हो वो उस भाषा के QR कोड को स्कैन करके पढ़ ले। आधार कार्ड, QR कोड के इस्तेमाल का सबसे बड़ा उदाहरण है आपका और मेरा आधार कार्ड। उसमें जो QR कोड होता है उसे स्कैन करके आप अपना नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस सब स्कैन करने वाले के पास पहुंच जाता है। पेमेंट करना, इसके बारे में तो शायद मुझे आपको बताने की जरूरत ना पड़े। आपने खुद देखा होगा कि आजकल दुकान से लेके ठेलियों तक में आपको QR कोड लगे हुए मिल जाएंगे, जिन्हें स्कैन करके आप अपने पेमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप, अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने अपनी बिजनेस वाली ऐप में यानी व्हाट्सएप बिजनेस में एक नया फीचर लॉन्च किया है और वो फीचर है QR कोड का। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ग्राहक इस QR कोड को स्कैन करके सीधा आपसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। इस QR कोड में आपके बिजनेस से संबंधित वो सारी जानकारी रहेगी जो आप किसी भी ग्राहक को देना चाहते हैं। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, कोविड के बाद हम लोग सफाई को लेकर काफ़ी जागरूक हो चले हैं। कैश के लेन देन के दौरान इन्फेक्शंस की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। आपको क्या पता कि जो नोट आपके पास है वो किन किन लोगों ने कैसे कैसे हाथों से छुआ होगा। यही कारण है कि लोग अब कैश के बजाय कैशलेस पेमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और शायद ये सुन के हैरानी हुए, आजकल काफ़ी सारे लोग अपने शरीर पर QR कोड के टैटूज भी बनवा रहे हैं। अब भाई ये मत पूछना कि उन QR कोड को स्कैन करके क्या जानकारी मिलेगी, वो मुझे भी नहीं पता। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्या आप खुद से QR कोड बना सकते हैं और अगर हाँ तो कैसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम आपको समय समय पे आपका बिजनेस बढ़ाने की बढ़िया टिप्स देते रहेंगे। खाता बुक के साथ अब बिजनेस करना होगा आसान। तो मेरे पिछले सवाल का जवाब है हाँ, आप बिल्कुल एक QR कोड बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए बस एक QR कोड जनरेटर। इस ऐप की मदद से आप किसी भी तरह की जानकारी को QR कोड में बदल सकते हैं, फिर चाहे वो आपका ईमेल या फोन नंबर हो या फिर वाईफाई का पासवर्ड। और मजे की बात पता है क्या है, इसे बनाने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। देखा आपने, ऐसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को हर रोज बेहतर बनाने में लगी है।
तो चलिए फिर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चलता हूं, मिलते हैं खाता बुक के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।